बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज लाहौर चैम्बर में लाहौर भर की ताजिर बरादरी का इकट्ठ था। हमने अफतारी का इहतमाम किया, हमने तमाम अपनी ट्रेड बॉडीज़ के लीडरान को, जुमला कायदीन को इन्वाइट किया। बजट के हवाले से बड़ी सहर हासिल गुफ्तगु भी हुई, बजट प्रपोजल्स के ऊपर भी डिस्कशन हुई, मार्केटों के मसाइल के ऊपर भी डिस्कशन हुई। तमाम ताजिर लीडरान ने लाहौर चैम्बर में अपने भरपूर इतमाद का इजहार भी किया और आने वाली जो हमारी हुकूमत अभी नई फॉर्म हुई है उसके हवाले से एक वर्किंग रिलेशन के हवाले से गुफ्तगु की गई, क्योंकि मौजूदा जो वज़ीर आज़म है वो हमारे सबका सदर भी हैं, तो उस हवाले से लाहौर चैम्बर के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी भी आई हो। नई हुकूमत चूँकि आई है तो नए ख्यालात के साथ, नए जज्बे के साथ, और उसके साथ साथ अब मुझे उम्मीद है कि जो बजट प्रपोजल्स आएंगी और सब लोग देंगे, हम भी पेश करेंगे। जी माशाल्लाह, लाहौर चैम्बर में नुमान कबीर साहब ने बड़ी अच्छी एक तकरीब मुनक्कद की है और इसमें एक तो बजट तजवीज़ें थी और साथ जो अपने सारी बिजनेस कम्यूनिटी को इस अफ्तार पार्टी में इकट्ठा किया है, सारे अपने दोस्तों में, अपने मेम्बरान में, भाइयों में मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मामला होते रहने चाहिए, ऐसे इंटरेक्शन होते रहने चाहिए ताकि हम अपनी जड़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी बिजनेस कम्यूनिटी के साथ जुड़े रहें। जी, मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेजिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इतना खूबसूरत ताजरों का एक गुलदस्ता बनाया, यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए इस रमज़ान की बाबरकत महीने के अंदर और अपने जो ताजरों के मसाइल हैं उसके ऊपर काफ़ी अच्छी सेर हासिल गुफ्तगू हुई। तो इस तरह के इवेंट होने चाहिए, इससे ताजरबाजी का एतमाद भी बढ़ता है और एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है। लाहौर चैम्बर में जो भी कायदीन यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में, लाहौर में, कोई छोटा बड़ा दरमियाना कोई भी बिजनेसमैन है, उसके कोई मसला है वो यहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है और यहाँ पे जो अंजुम साहब की क़यादत में जो यहाँ पे नुमाइंदगान बैठे हुए हैं उनके मसाइल को गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं और मसले का हल भी प्रोवाइड करते हैं। आने वाले बजट के हवाले से अंजुमन ताजरान कायदे आज़म ग्रुप ने अपनी तजावीज़ लाहौर चैम्बर को दी हैं। जो तजावीज़ लाहौर चैम्बर मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले करेगा और कोशिश करेगा कि ताजरों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। ताजर टैक्स देने के लिए तैयार हैं, ताजर पहले भी टैक्स देते हैं, लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी तकारीर हुई, बस यहाँ पर जो कुछ सियासी तकारीर हुई हैं उनकी हम जो है ना मजम्मत करते हैं, क्योंकि चैम्बर एक इंडिपेंडेंट अदारा है, ये कोई जो है ना मुल्क की सियासत से इसका कोई लिंक नहीं, इसका ताजर पॉलिटिक्स से लिंक है। तो लिहाजा जिन लोगों ने यहाँ पर सियासी तकारीर की हैं उनकी एक मरतबा फिर कायदे आज़म ग्रुप जो है वो और बिजनेस ओशन एज वो भरपूर मजम्मत करता है। इंशाल्लाह हम रिटर्न में भी सदर साहब को अपनी तजावीज़ भेजेंगे कि यहाँ पर सियासी तकरीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।